मैम आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत नहीं, 82 साल तो मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में तो बस जाने की तैयारी है। जावेद इकबाल साहब की कौन सी आदत को आज भी मिस करती हैं? देखिए घर में कोई भी आपका वो शरीक हयात और हम सफ़र मौजूदगी जो है ना वो ही बहुत होती है। तो मैम आपकी घरेलू मसरूफियात क्या होती थी? बेगमात का तो यही काम होता है घर में शोर के लिए खाना बना लें। खाना पकाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं। आप अपनी बायोग्राफी कब लिखेंगी? मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा। सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है सैर के लिए? लाहौर, लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा होते जमिया ही। सुपर पाकिस्तानी में हमारी मेहमान हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल। उनसे मिलने लाहौर में वाकया उनकी रिहाइश गाह पर पहुंची तो उन्होंने बड़े शफीक अंदाज में इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? मैम आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, क्या राज है आपकी खूबसूरती का? बिल्कुल खूबसूरत नहीं, 82 साल तो मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में तो बस जाने की तैयारी है। मैम आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? पहले तो मैं सुबह फजर टाइम उठती हूँ। अच्छा। फजर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा कुरान सुना, फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, 8:30-9 बजे नाश्ता कर लिया, दलिया। अच्छा। और ये के बाद फ्रूट सैलड, थोड़ा सा जूस। मैम आप सलीका मंदी से गुफ्तगू करने का फ़न जानती हैं, बचपन में इर्द गिर्द का माहौल आपके मिजाज पे किस हद तक असरअंदाज हुआ? घर के माहौल में तो मैं अकेली थी क्योंकि मेरे भाई मुझसे काफ़ी बड़े थे, वो बोर्डिंग में। अच्छा। बस सुबह स्कूल चले जाना, फिर चले जाना, हमारे पास मेरे वालिद की किताबों की का कारोबार था फिरोज़सन्स, मैंने जाके वहाँ बैठ जाना कुतुब खाने में, सारा दिन किताबें पढ़ते रहना, शाम को जब वालिद ने घर जाना उनके साथ घर चले जाना, बस इसी तरह रोज़ो शब गुजर जाते थे। ज़्यादा बातें करने के लिए कोई था ही नहीं, वैसे बातें तो मैं बहुत करती थी। अच्छा। तो मेरी नानी हमेशा कहती थी इतनी बातें क्यों करती, तुमने कोई वकील बनना, तुम कोई वकील हो, उनको क्या पता था कि मैं वकील ही बन जाऊँगी। मैम अक्सर बच्चों को वालदैन से शिकायत होती है कि वो दूसरे बहन भाई को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्या आपको अपने वालदैन से कभी ये शिकायत रही? घर में था ही कोई नहीं सिवाय मेरे, मेरे भाई तो बोर्डिंग में थे ना, वो मुझसे 5 साल बड़े थे। फिर जिस वक्त वहाँ से पास आउट हुए, पहले श्रीनगर में थे, फिर जब पाकिस्तान बना तो उनको कश्मीर से अहमदाबाद बनहॉल में ले आए, फिर एचएसएन कॉलेज में बोर्डिंग में थोड़ी देर रहे, फिर अमेरिका चले। अच्छा। तो मेरे सिवाय तो घर में था ही कोई नहीं। अच्छा। मैम आप बचपन में क्या खेल खेलती थी, जैसे घर घर हो गया, गुड़िया की शादी जैसे खेल होते थे? स्कूल में तो हम खेलते थे ना चिंजो जिसको कहते हैं। अच्छा। और कीड़ी काड़ा, और घर आना, फिर मेरे पास कोई साथ तो होता नहीं था, तो इधर उधर कोई हमसायों के कोई दफ्तर थे ज़्यादातर, उनके बच्चों के साथ कोई भी गेम खेल लेनी जो भी वो खेलते थे, तो मुझे याद नहीं क्या ख़ास गेम खेलनी थी, भाग दौड़ में थोड़ा सा वक्त गुजर जाता फिर घर आ जाता। मैम कुछ लड़कियां जो भाइयों में पली बड़ी होती हैं वो टॉम बॉय होती हैं, आप बचपन में कैसी थी? मैंने क्या टॉम बॉय बनना था, ज़्यादा बस किताबों का मुताला, कोई और ख़ास ऐसा टॉम बॉय वाला कोई मसला नहीं था। तो आप क्या गुड़ियों की शादियां भी नहीं करती थी? वो कभी जैसे वो सारे इर्द गिर्द दफ्तर थे ना, तो किसी उनके बच्चों में जो मुलाजिम थे उनके बच्चों की गुड़ियाँ होती तो वो भी कभी कर लेना। मैम जब पाकिस्तान बना तो आपकी उम्र तब क्या थी? 6 साल थी मेरी उम्र पाकिस्तान, मैंने मैं स्कूल अभी जाना शुरू किया था। इब्तदाई याददाश्त की कौन सी यादें आज भी महफूज हैं? बस मुझे याद है जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी तो हमारा घर था सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ, और मेरी वालदा जो थी वो तहरीक पाकिस्तान में सरगर्म कारकुन थी, मेरे वालिद भी, मेरे वालिद तो फिरोजपुर जेल में रहे जहाँ पर तमाम ये तहरीक आज़ादी के जो थे सियासतदान या लीडर्स उनको उन्होंने मुकैद किया हुआ था, तो मेरी वालदा ने वहाँ अपने हमारे बगीचे में तमाम खातिन को इकट्ठा कर लिया मुस्लिम लीग की जो थी, और दो लड़कियाँ थी फातिमा सुरैया और जरीना। अच्छा। तो इनको एक वो दिया मुस्लिम लीग का झंडा, अभी तो पाकिस्तान का झंडा नहीं था ना बना, ये थी 1940 की बात या 47 के अवाइल में, तो फिर गेट हमारा बंद रखा हुआ था उतनी देर, एकदम गेट खोला
तो ये दोनों लड़कियां भाग के सिविक सेक्रेटेरिएट की दीवार के ऊपर फलांग लिया इन्होंने, तब ये खारदार तारे नहीं होते थे, और वो जो मेरा ख्याल है ड्रेन पाइप से उसके साथ ऊपर चढ़ गए, और ज़ीना ने नीचे से आसरा दिया, और जो फातिमा सुरैया थी उसने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, वो मुस्लिम लीग का झंडा सिविल सेक्रेटेरिएट के ऊपर, उसको लाट साहब का दफ्तर कहते थे। तो बस जब झंडा लगा तो फिर सब ने नीचे से ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, और लेके रहेंगे पाकिस्तान। कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान का क्याम हो गया। मैम, आपके दादा का प्रिंटिंग प्रेस था। इनका पहले तो होता था शहर के अंदर, जो मेरे दादा थे उनके वालिद का। फिर कुछ अरसे के बाद जब वहाँ शहर के अंदर मुश्किल था तो वो बाहर ही आए, शेरांवाला गेट पे उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग के अंदर प्रेस था। ऊपर की मंजिल में हम रहते थे, मेरी पैदाइश भी वहीं हुई शेरांवाला गेट में, प्रिंटिंग प्रेस की ऊपर वाली मंजिल में। और डॉक्टर अली मोहम्मद उन ज़मानों में एक क्वालिफाइड थी मुसलमान खातून, उन्होंने घर के आके की डिलीवरी। उसके कुछ अरसे के बाद जब मैं 3 साल की हुई तो मेरे पेरेंट्स ने ये मकान बनाया सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ, कोर्ट स्ट्रीट इसका पता था। ओके। फिर उसके बाद वहाँ LDA का दफ्तर बन गया, लेकिन उन ज़मानों में जब बनाया तो सब हिंदुओं के वहाँ थे घर, तो उनमें बस हमारा मुसलमानों का घर एक ही होता था, और वहाँ लाठियाँ लेके वो पठान होते थे रात को, तो सारे हमसाए समझते थे कि इनके पास बंदूकें हैं, तो बड़ा डरते थे, वो नज़दीक नहीं आते थे। लेकिन ये था कि वो घर बहुत देर तक कायम रहा, फिर अब वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई बिल्डिंग बन गई। आपके घर का माहौल तो बहुत इल्मी वद भी रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, इल्मी वद भी था। मेरे दादा जो थे वो उन्होंने कशफुल माजूब का तर्जमा किया हुआ था सैयद अली हजवेरी की जो किताब है, और कुरान मजीद का उन्होंने तफसीर लिखी हुई थी, तसीलुल कुरान, अभी भी शाया होता है, बहुत अच्छा और बड़ा उम्दा आसान है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। मैम, आप खुद पढ़ाई में टॉपर रह चुकी हैं, लेकिन आपने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री क्यों ना की? जर्नलिज्म के फर्स्ट पार्ट में दाखिल हुई थी, हमारे घर के पास ही थी यूनिवर्सिटी थी, तो फिर मेरी शादी हो गई तो वो बीच में ही रह गया, बाद में बच्चे थे छोटे छोटे, उनको स्कूल ले जाना ले के आना ये काफ़ी काम रहता था, इसी में मसरूफियत रहती थी। बड़े हो गए तो मैंने प्राइवेटली LLB कर लिया। मैम, आपने कानून के शोबे का इंतखाब अपनी ससुराल की निस्बत से किया था? बिल्कुल नहीं, मैंने बच्चे जाते थे ना स्कूल, इनको स्कूल से उतार के घर आई तो अखबार में मैंने देखा लिखा हुआ था कि कानून के इम्तहान का LLB का जो है दाखिला फर्स्ट पार्ट का वो कुछ दिन में बंद होने लगा है, और 100 रुपये उसके इम्तहान की दाखिला फ़ीस है, तो मैंने 100 रुपये जमा करा दिया। 100 रुपये जमा करा के तो मैंने किताबें मंगवा ली बाज़ार से, और वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। 15 दिन के बाद इम्तहान था, मैंने इम्तहान दे दिया, 7-7 दिन तकरीबन एक एक पेपर के दरमियान थे, तो बस उसमें मेरा सब, मैं जब देखने गई रिज़ल्ट तो सबसे ज़्यादा मार्क्स ही मेरे थे, मैं बड़ी हैरान हुई, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो मालूम होता है शायद इस वजह से ना किया हो कि जो कोई फ़र्स्ट आया था शागिर्द उसके नंबर पूरे कंबाइल नहीं हुए थे, फिर उन्होंने 2-3 दिन के बाद किसी और को फर्स्ट गर्दान दिया जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और मैं सेकंड आ गई। आपके और जावेद इकबाल साहब की उम्र में 16.5 साल का फ़र्क है। जी, पसंद की शादी हुई थी? नहीं, रिश्ता इसी तरह हुआ था जैसे कि अमशीरा यहाँ करीब ही रहती, तो मुलाकात मेरी हुई थी डॉक्टर जावेद इकबाल से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के जो बिल्डिंग है उसमें, तो इनकी बहन बहुत कोशिश करती रहती थी कि इनकी शादी हो जाए, सो जब वो वहाँ से अमेरिका से वापस आए तो कहने लगे कि मैंने सुना है कि आपको वहाँ से नासरा से मुलाकात हुई थी, तो मैं तो चाहती हूँ मैं रिश्ता डाल दूँ ताकि अगर हो सके, अगर वो माने तो। डॉक्टर साहब ने कोई इस पर एतराज़ नहीं किया, और बेगम शाहनवाज हमारी बहुत बड़ी यहाँ की खातून लीडर थी, पहली हमारी पार्लियामेंट की मेंबर थी, उनको लेके मेरी नंद मेरे वालदैन के पास आई, तो मेरी वालदा ने मुझे पूछा कि देखिए इतना फ़र्क है उम्र का, तो बहुत लंबी आपकी रिफाकत नहीं होगी, तो अगर आपको ये रिश्ता पसंद है या कोई और एक दो रिश्ते थे उनमें से कोई पसंद है, मैंने कहा नहीं, मैं देखती हूँ कि आजकल के नौजवान ज़्यादा समझ पूछ से बात ही नहीं करते थे, और मैं इतना कुछ पढ़ा हुआ था तो ज़रा मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा महसूस होता था, मैंने कहा इनको बात करने का तो सलीका है, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, लंदन के पढ़े हुए हैं,
बार एट लॉ है, तो मेरा ख्याल है यही ठीक है। अच्छा। तो मेरे वालदैन ने कुछ इस पर थोड़ा सा उन्होंने हिचकिचाहट का आज़ार किया कि जी उम्र का फ़र्क इतना हर जैसे, मैंने कहा कहने लगी रफाकत लंबी नहीं होगी। मैंने कहा जी जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होगा, तो फिर हमारी शादी हो गई जब रिश्ता लेके आए। तो इत्तेफाक़ की बात देखे 51 साल हमारी रफाकत रही, और मेरा भाई जो था, जो मैंने आपको बताया था ना मुझसे बड़ा था कुछ, उनकी शादी 20 साल की उम्र में हो गई और वो 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी देखे रफाकत मेरा ख्याल है अपनी अहलिया के साथ 20-25 साल या 30 साल रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बावजूद इसके कि उम्र में इतने छोटे थे। तो ये तो जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसकी लंबी होगी रफाकत किसकी थोड़ी होगी। मैम आपकी शादी ऐसे घराने में हुई जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, क्या ख्वाब लेकर आई थी आप? उस वक़्त भी मुझे इसका एहसास तो था, और मैं समझती हूँ मेरे लिए ये बहुत वो है, एजाज़ तो यकीनन है, लेकिन कोई भी हो सकता था। और घर में तो जब मैं आई हूँ तो मैं अकेली थी, बस फिर बच्चे हो गए या के बाद दीगरे दो हमारे बच्चे, और बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर गई, खैर वाफियत से गुजर गई, बड़ी अच्छी गुजर गई अल्लाह की मेहरबानी। किसी ने कभी मुदाखलत नहीं की, कोई मुदाखलत करने वाला था ही नहीं घर में। तो मैम आपकी घरेलू मसरूफियात क्या होती थी? बेगमात का तो यही काम होता है घर में शोर के लिए खाना बना लें। खैर खाना पकाने का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना पकाती थी, क्योंकि वो मेरे वालिद रहे थे लीग ऑफ नेशंस के साथ जिनीवा में, तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल वुमेंस क्लब है उसकी मेंबर थी, उन्होंने दुनिया के हर मुल्क का खाना सीखा हुआ था। तो कभी मेरे शौहर ने कोई फरमाइश करनी, मैंने अम्मी को फ़ोन कर देना अम्मी फलां चीज़ बना के भेज दी, उन्होंने बना के भेज दिया, ज़्यादा फासला भी नहीं था हमारे घर का, तो मैंने तो कभी ये काम किया नहीं। बच्चे हुए या के बाद दीगरे, मेरा ख्याल है इनमें कोई 1.5-2 साल का फ़र्क, तो फिर ज़्यादा वक्त तो लग जाता था बच्चों को संभालने में। और फिर जब ये बड़े हुए फिर इनको स्कूल में दाखिल किया, स्कूल भी दूर नहीं था, लेकिन ये था कि दो दफ़ा इनको लेके जाना पड़ता था, एक दफ़ा सुबह फिर वापस लाना, फिर दोपहर को लेके जाना, फिर शाम को लाना। मैम जब आपने वकालत की या प्रैक्टिस कर रही थी तब आपने जावेद इकबाल साहब से रहनुमाई लिया करती थी? नहीं, जिस वक्त तो ये जज थे, जिस वक्त मैंने ये डिग्री ली ना उस वक्त तो ये जज थे, फिर थोड़ी देर के बाद ये चीफ जस्टिस बन गए। तो मैंने अदालत का रुख ही नहीं किया, मैंने कहा ऐसे लोगों में गंगोश नुमाई करेंगे कि जी एक तरफ और जज है दूसरी तरफ बीवी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो मैंने इनरोलमेंट ही ली जिस वक्त डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, तो उम्र का फ़र्क ज़्यादा था, तो ये तो एक किस्म की मेरी मैं समझती हूँ कि खुशबख्ती थी। जब मैंने ले लिया बार का लाइसेंस ले लिया और प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो कभी कोई बात होती थी तो कहते थे मुझे नहीं ये पता, ये बार में नहीं था पढ़ाते होते, उन्होंने कभी किसी चीज़ पे मशवरा नहीं देना। जब वो खुद थे वकील भी और जज भी, हमने कभी घर में कोई अदालत की वकालत की बात ही नहीं की, को बच्चों की बात कर ली, कभी हफ्ते में एक दफ़ा सिनेमा चले गए मिल के। मेरे भाई थे कज़न डॉक्टर मोहम्मद अनवर, बहुत बच्चों के मशहूर डॉक्टर थे, और उनकी अहलिया जो थी वो मेरी खालाजात थी, तो बस हफ्ते में एक दफ़ा हमने कभी फ़िल्म देखने चले जाना, इकट्ठा मिलके खाना खा लेना, ये हमारी तफरी होती थी उन ज़मानों में। आप अपनी तवील तर कामयाबी का क्रेडिट किसको देती हैं? नहीं कोई इतनी बड़ी तो मेरी कामयाबी हुई नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ अच्छी क़्यादत जो होती है ना उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये हुकूक़ निस्वा के हवाले से मैं समझती हूँ बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो एक बहुत लायक और अच्छी लीडर थी, और उन वो जिस वक्त आई इक्तदार में तो उनके पास ज़्यादा अक्सरियत भी नहीं थी, इसलिए को वो ज़्यादा ये नहीं कर सकती थी कानून साजी। तो उन्होंने कहा जी मैं ख़वातीन के लिए कुछ चाहती हूँ करना, क्योंकि पसमानदा बहुत हैं ख़वातीन, तो जहाँ जहाँ मैं कुछ इनके लिए कर सकती हूँ उनके हालात को बेहतर करने के लिए, वो उन्होंने बहुत कोशिश की, इंतज़ामिया में ख़वातीन को जगह दी, फिर इसमें मुकर्रनामे रिज़र्व सीट्स का कुछ उनका भी इसमें हिस्सा है काफ़ी, और फिर उन्होंने कहा कि अदालतों में ख़वातीन हैं ही नहीं, और आला अदालतों में ख़ास तौर पर बिल्कुल नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि तमाम आला अदालतों में हमने ख़वातीन को लाना। उस वक्त फिर तीन हम लाहौर हाई कोर्ट की बनी जजेस। अच्छा। 1994 में, और एक बनी कराची से सिंध हाई कोर्ट की, एक बनी पेशावर से। बलूचिस्तान में कोई खातून थी नहीं जिसके पास इतनी वकालत की तालीम थी बन सके। तो बाद में ये हुआ कि आप देखें
सबसे पहली दफ़ा किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान में बनी। ये तो 3 साल में होता है ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में हमारी खातून गई हैं पहली दफ़ा, आयशा मलिक, और बड़ी मुश्किल से, इसलिए कि मर्द समझते हैं कि ये एक ऐसा शोभा है जिसमें सिर्फ मर्दों को ही लेना चाहिए। और पहले दुनिया भर में ऐसा ही था। ये अभी जून बेडर गिन्सबर्ग का इंतकाल हुआ पिछले साल, अमेरिका की बहुत बड़ी जज थी वो, जिस वक्त हार्वर्ड लॉ स्कूल से डिग्री लेना चाह रही थी, बॉस्टन में रहते थे, उनके शौहर डॉक्टर थे, तो उनको दाखिला नहीं था मिलता। फिर वो कोलंबिया गई, वहाँ से उन्होंने किए अपनी वकालत का कोर्स, फिर वापस आई तो किसी दफ्तर में जो वकील थे वो खातून को रखना नहीं चाहते थे बतौर अपना जूनियर। तो बताती थी कि कितना मुश्किल होता था, हमारे यहाँ भी कोई हाल था, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं था, मगर जब मैं गई हूँ हार्वर्ड लॉ स्कूल और मैं गई हूँ 1986 में, अच्छा, तो औरतों के लिए दाखिले खुल चुके थे, और पहली दफ़ा मेरी वहाँ मौजूदगी में एक खातून प्रोफेसर बनी। अच्छा, हमारे यहाँ तो उसको भी बात लगी थी कि कोई इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, तो बाद में हमारे यहाँ भी लगे थे, तकरीबन हम बराबर बराबर दूसरे ममालिक के साथ रहे हैं। जस्टिस नासरा जावेद के साथ गपशप जारी रही। मैम, आपने वकालत और कानून को खैर बात कह दिया है, आपके क्या मसरूफियात हैं आपकी? देखिए, जजेस जो हैं वो तो रिटायर हो जाते हैं 62 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में मैं भी रिटायर हो गई, तो तालीम तो मैं कानून की देती हूँ और 36 साल से दे रही हूँ, तो बेशुमार जो आजकल वकला हैं और जज हैं वो मेरे शागिर्द रह चुके हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से ऐसे हैं जज जो मेरे शागिर्द हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, लेकिन कुजा वो सामने मेरे बैठे हों शागिर्द और इधर से मैं बहस करूँ, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता, साथ अब बातें भी तो याद नहीं ना रहती। तो मैंने देखा है ऐसे करते हुए बुज़ुर्ग वकला को, लेकिन कुछ बात जेब नहीं देती, तो इसलिए मैंने तो सोचा मैं करूँ ना, जब मैं पढ़ाती हूँ तो ठीक है। अच्छा मैम, जावेद इकबाल साहब की कौन सी आदत को आज भी मिस करती हैं? देखिए, घर में कोई भी आपका वो शरीक हयात और हम सफ़र, तो सारा वक्त उनका वहाँ मौजूदगी जो है ना वो ही बहुत होती है, और फिर पिछली उम्र में वो भी रिटायर हुए हुए तो घर में ही होते थे, तो अच्छी हमारी आपस में रहती थी, रफाकत वॉक के लिए चले गए, रेस्कोर्स पार्क में चले गए, कभी उनकी हमशीरा साथ ही रहती हैं, उनके घर रोज़ का चक्कर होता था, तो बस इसी तरह जो था उनकी शराकत में वक्त गुजर जाता था, बच्चों के साथ खेलना, हमारे पोते पोतियाँ यहीं रहते हैं ना, और पोती का बड़ा शौक़ था क्योंकि हमारे घर लड़की कोई नहीं, मेरी नंद के भी सिर्फ लड़के ही हैं और हमारे भी 2 लड़के ही थे, तो 2 बेटों के बाद हमारे बेटे की बेटी हुई, उसके साथ बहुत प्यार करते थे, हर वक्त उसके साथ बातें करना, उसको गोद में लेके बैठे रहना, तो बड़ी रौनक रहती थी। अब भी है तो यहीं है, स्कूल गई हुई है, लेकिन घर में होना उसका जो है वो बड़ी गनीमत है। माशाल्लाह, आपका बाग बहुत खूबसूरत है, बागीचे की देखभाल खुद करती हैं? कोई नहीं, बिल्कुल, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता क्योंकि मैं तो कॉलेज चली जाती हूँ ना, जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, तो ये मेरे साथ है मेरा माली, ये बड़ी मेहनत करता रहता है, तो हर चीज़ में वो मौजूद रहता है जो भी करना है, तो आप इसका अगर है कोई फन की महारत नज़र आती तो वो है कुछ हद तक। मैम, 2018 में सीबीआई हुकूमत आई, इस वक्त सदारत के लिए आपका नाम भी जेरे गौर था, फिर रुकावट कहाँ पर है? ये मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ एक किस्म का नारा बुलंद किया था, ठीक है, रेडियो पे भी आता था, टीवी पे भी आता था, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो हो कोई सियासी शख्स उसी को होना चाहिए, और जिसने उनकी पार्टी के साथ अहम खिदमात अदा की हों उसी को होना चाहिए। मैंने तो कभी कोई सियासत में हिस्सा नहीं लिया, गैर सियासी हमेशा मैं रही हूँ। मेरा ख्याल है औरतों से वोट लेने के लिए उन्होंने ये ऐसे बात जो थी इसको सामने किया हुआ था। अच्छा मैम, आप मरियम नवाज पर खुल के तनकीद करती हैं? कभी कोई ऐसी ख़ास तनकीद नहीं की, मैं तो ये कह रही हूँ कि खातून होने के हवाले से ये बात इनकी अपनी पार्टी के लोग खातून की क़यादत एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए, ये निसार चौधरी निसार था, वो इलेक्ट हुआ, उसने
पार्टी में आके मेरा ख्याल है हल्फ तो शायद ले लिया है अब, लेकिन उसने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं खातून की क्यादत में काम नहीं करूँगा। इसी तरह ये जो हमारे मरीज से इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने भी कुछ इसमें हिचकिचाहट का अपना हजार किया, लेकिन वो उस तरीके से बुलंद बांग हजार नहीं था। लेकिन बहुत से और लोग इसको देते नहीं हैं अहमियत, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मरियम नवाज ने अपनी मौरूसियत का फ़ायदा उठाया है। अब उनको कहें कि जी आप मौरूसियत की वजह से आए, वो कहती है नहीं, लोगों की मोहब्बत की वजह से आए। लेकिन ये तो कहने सुनने की बात है, मौरूसियत तो मौरूसियत ही रहती है ना। तो अब मैं उस दिन देख रही थी और टीवी वाले गिन रहे थे, 28 गाड़ियाँ इनकी थी एस्कॉर्ट में। अब ये तो कोई ओहदा रखती नहीं है, तो 28 गाड़ियाँ इनको क्या मिले। मैंने उनकी ज़ात पे तो तनकीद क्या करनी है, मुझे उनके साथ कोई इख्तलाफ ही नहीं है। और अगर वो अच्छी तरह अपनी पार्टी के लोगों को रागब कर सकती हैं वोट की तरफ, क्योंकि ये तो तख्त लाहौर जो है वो PMLN यही समझते हैं कि जी ये हमारा अपना है, जैसे कि गढ़ होता है ना PMLN का। लेकिन अब ये जो इनकी PDM है, इसमें भी कुछ इख्तलाफात बहुत से हो गए हैं और पार्टी जो है उसमें इंतशार हो रहा है। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट गईं। आप नासरा जावेद इकबाल साहिबा के बारे में क्या राय देंगी, क्या कहेंगी उनके बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम नासरा जावेद इकबाल किसी तारफ का मोहताज नहीं, और ये एज ए जज इन्होंने पाकिस्तान में ख्वातीन के हकूक पर जो काम किया है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए तो कम है। नासरा आपा जज भी रहीं, और अभी मेरी बहन ने कहा कि वो फलां की बीवी फलां की वो बहू, लेकिन मेरे लिए वो एक खातून है, और वो खातून है जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम समझते हैं कि पाकिस्तान को हम एक ऐसा मुल्क बना सकते हैं जहां लोग पुरम तरीके से रह सकें। और ख़ास तौर से ख़वातीन को जो निगलेक्ट किया जाता है ये कह के कि इनकी जो सोच है वो आधी है या वो कमतर हैं, उसके लिए नासरापा ने ये साबित किया है कि वो एक जज बनकर भी, और जज वो होता है जो सही फैसले करता है, उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि हम उन पर फख्र कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की हर औरत जो है वो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बना सकती है। वो हमारी लीडर हैं और हम उनसे उनके साथ चलकर पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाना चाहते हैं। ये लोगों के लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल, बाखलाक हंसते हुए, यही ना कि सदाकत दयानत शुजा सखावत जहानत फतानत, कौन सी खूबी इनमें नहीं है। अगर दूरबीन से भी देखें ना तो कोई ऐसा नक्स नहीं नज़र आए। लोगों के लिए कहती मैं तो इनके लिए कहती हूँ, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत दुआएं इनके लिए। नासरा आपा के बारे में सबसे बड़ी तो जो हज़रत अल्लामा इकबाल की बहू होने के नाते से हमारे लिए बहुत ही इनके लिए रिस्पेक्ट है, और एज ए इंसान इनमें बहुत खूबियाँ हैं, शाइस्तगी है और बड़ा रवादारी है, मेहमान नवाजी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सही ज़िंदगी के साथ रखे। और शायर ने कहा था कि अपनी अजमत को ज़रा अपनी निगाहों से भी देख, तेरे जलवों से है मामूर ज़मीर इंसान, बर्फ़ तो बर्फ़ पत्थर भी पिघल सकते हैं, जो तू बेदार करे आतशे कल्ब सोज़ा। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं।
हस्बे मामूल कॉलेज आईं। कॉलेज स्टाफ के साथ मीटिंग की, कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और तालबात से गुफ्तगू भी की। मैम, इमरान खान आजकल अदालतों में पेश होकर अपनी ज़मानत करवा रहे हैं, आपको लगता है उन्हें ज़मानत करवाने की बजाय गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? देखिए, ये तो सियासी मामला है, मैं कोई दिलचस्पी रखती नहीं सियासी मामला में, वो जाने उनकी पार्टी जाने। इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, आपको लगता है उनकी जान को खतरा है या ये महज एक सियासी बयान है? हमला तो यकीनन हुआ था और कहते हैं 3 सिमतों से हुआ था, मगर बस वो ज़्यादा उनको टांग में ही चोट लगी और वो टांग भी अब ठीक हो गई, नसें वगैरह खुल गया। जब वलीद ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी दी तो बाहैसियत माँ आपने उनके सियासी फैसले में हमायत की थी? नहीं, मैंने इसमें क्या हमायत करनी, जेल जाना कुछ मुझे तो खैर समझ नहीं आई कि किस लिए गया, लेकिन अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से गया, फिर अपनी मर्जी से बाहर आ जेल में। 11 दिन जेल में था, एक तरफ तो कोर्ट रख पर जेल में उन्होंने गुजारी, फिर यहाँ जगह कोई नहीं, तो फिर उनको फ़र्क फ़र्क जेलों में बांट दिया। वलीद लिया जेल में था मेरा ख्याल है, और उसको रखा हुआ था सॉलिटरी में। सॉलिटरी का मतलब था कि वो एक नया जेल है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, सारे कमरे नए थे उसके, कमरे में एक ब्लॉक में 8 कमरे थे और बीच में छोटा सा बगीचा, तो इसके साथ जो 7 कमरे थे वो उन्होंने खाली करवा लिए, क्योंकि ये ऊँचे ऊँचे वहाँ सुनाता था तराने, कोई हबीब जालिब का कोई कुछ ना कुछ, तो सारे 7 इसके जो थे पार्टी वाले वो सुनते थे दूसरे कमरों में, उन्होंने वो जेल वालों ने खाली करा दी, फिर ये अकेला रह गया। पहले कोई बिस्तरा नहीं था, कंबल उनको नए दिए हुए थे, प्लेट धोते नहीं थे, तो उसने जेल वाले को कहा कि जी मुझे वो दो साबुन दो, मैं प्लेट अपनी धो, फिर ये रोज़ प्लेट धो के बाहर रख लेता था, और फिर उसको मुंह धोने के लिए भी साबुन मिल गया। फिर उसने कहा जी मैं तो मुल्ला नहीं, मैंने शेव करनी है, मैंने ये खांसी रखनी नहीं है, फिर उसको उन्होंने रेजर दिया, क्योंकि ये जो सियासी होते हैं ना प्रिजनर्स, इनको वो हाथ नहीं लगा सकते, बड़ा डरते, उनको ये फिक्र है इनको कुछ हो जाए तो हमारी तो दुर्गत बन जाएगी। तो सुबह शाम दाल मिलती थी, तो वो कहता था मुझे तो दाल बड़ी पसंद है, कभी मूंग की मिलती थी, कभी माश की मिलती थी, कभी मसूर की, कभी लोबिया मिल जाता था, तो वो खुशी खुशी खा लेता था। रात को बत्तियाँ जला के रखती तमाम कैदियों के साथ, इसकी भी बत्तियाँ जलती थी, तो वो उसको ज़रा आँखों पे लगती थी ना, तो थोड़ा सा अपना बाजू आँखों पे रख लेता था या कंबल जो था उसका एक किनारा अपनी आँखों पे डाल लेता, तो कहता मैं तो आराम से सोता था, तो वो मुझे कहते थे बस आप फिक्र ना करें, 2 दिन में आपको निकाल के तो रिहा कर दें। तो कहते मैंने को पूछा है आपको कि 2 दिन में रिहा करना है या नहीं, मैं यहाँ पूछूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं रहने को तैयार हूँ। फिर वो जैसे हाई कोर्ट में फैसला हुआ कि इन सबको छोड़ दे, फिर उसको उन्होंने रिहा कर दिया। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल PhD की स्टूडेंट हैं और अपने थीसिस के हवाले से एडवाइज़र से मीटिंग के लिए GC यूनिवर्सिटी गईं। मैम, जैसा कि आप कहती हैं आपका ताल्लुक कलम कबीले से है, तो आपने अपनी मदर की बायोग्राफी लिखी, आप अपनी बायोग्राफी कब लिखेंगी? मेरी तो सब बातें डॉक्टर जावेद इकबाल ने लिख दी है, उन्होंने किताब लिखी हुई है अपना गरीबा चाक। अच्छा, तो उसमें कोई उन्होंने डायरी नहीं रखी थी, लेकिन उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि तमाम बातें उन्होंने घर की भी लिख ली है,
मेरी भी लिख ली है, बच्चों की भी लिख ली, मेरे पास तो वो लिखने की बात ही नहीं रही। मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे ही भरम कायम रहता है। सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है सैर के लिए? लाहौर, लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो तो जमिया ही सो मुझे तो लाहौर ही अच्छा लगता है। मेरी पैदाइश भी यही जगह है और मेरी दुआ है कि मेरा आखिरी वक्त भी यहीं आए। हमारा कब्रिस्तान यहाँ है, अपना ख़ानदानी हज़रत ईशा के साथ, वहाँ पे मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे भाई डॉक्टर जावेद इकबाल वहीं दफन है। मेरी जगह भी अब थोड़ी सी रह गई है तो जल्दी जल्दी जाना चाहिए, कोई माली ना ले, आजकल लोग बड़े मर रहे हैं। आपकी कभी मुनीरा सलाहुद्दीन के साथ नंद भाभी वाली टकरार रही है? कभी नहीं, बहुत इतनी अच्छी है। मुझे याद है मेरे वालिद कहते होते थे कि आपकी जो नंद है वो तो फरिश्ता है, और वाकई फरिश्ता, बहुत अच्छी तबीयत। तो खैर उनकी उम्र जो है वो 92 साल की हो गई है, कुछ बातें याद रखती है, कुछ नहीं भी याद रखती, लेकिन मैं जाती हूँ तकरीबन रोज़ उनको देखने। अच्छा, आप गज़लें सुनती हैं, आपकी पसंदीदा गज़ल कौन सी है? कोई ख़ास मैंने इस तरह इम्तियाज़ नहीं किया, तमाम मुझे अच्छी लगती है जो भी कोई हो हमारे यहाँ। आपके दो बेटे हैं, दोनों में से आप सबसे ज़्यादा किसके क्लोज हैं? बस दोनों ही क्लोज हैं, जब हैं ही दो सिर्फ, तो अपना अपना वो उनका है रुजू। एक की शादी हुई है, एक ने शादी नहीं की, तो ये शादी वाला वो ज़ाहिर है वो अपने बच्चों बीवी के साथ ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। मैम इन लोगों को क्या मशवरा देंगी? नवाज शरीफ वापस आए, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ज़्यादा करें ये जो अपना वहाँ करते हैं कल्चरल इवनिंग, इमरान खान अदालत जाए, वलीद इकबाल ने आपको संभाल के रखे जेल हो जाने के बजाय, शेख रशीद सिगरेट कम पिए या जो पाइप पीती, मरियम नवाज बातें का मरम्मल ज्यादा, बिलावल भुट्टो जरदारी उर्दू सीखे उर्दू सीखे, वन वर्ड फॉर चौधरी परवेज इलाही, लीडर बहुत बड़े बन गए अब उनकी महारत देखेंगे, चौधरी शुजात हुसैन बात ही नहीं समझ आती, शहबाज शरीफ गरीबों को ध्यान करें बजाय आपस की अदावत के, शाह महमूद कुरैशी शाह अपने मुल्तान वाले इलाके में लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं, फवाद चौधरी गुफ्तगू का बादशाह, हमजा शहबाज शरीफ, हमजा के बारे में ज़्यादा नुमाया नहीं है मेरा ख्याल है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, आपने सारा दिन हमारे साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, देखेंगे ना जब होगा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। थैंक यू।